गुड मॉर्निंग सर। एजीज वाले सवाल करने शुरू किए थे, तुम्हें आने शुरू हो गए होंगे। जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं, अनुपात होता है, एक्स लगा के संख्या बनाते हैं, पहली संख्या राम की आयु कितनी? 3 है। सीता की आयु इनका कितना? इसने जोड़ 28 दिया, हम उस जोड़ 28 के बराबर जोड़ को ही लिख सकते हैं, इसलिए हमने भी जोड़ कर लिया। दूसरी लाइन में जोड़ कहेगा तो हम जोड़ कर लेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर कर लेंगे, गुणा कहेगा तो वर्गों का जोड़, वर्गों का अंतर, घनों का जोड़, घनों का अंतर, जो कुछ भी कहेगा वही लिख लेंगे। किसको नहीं आया? आगे बढ़े। एक्स बराबर 4 × 4 = 12, 8 साल बाद 5:5, सबको आ गया। किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, यहां तक बातें समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अनुपात देखे लिख दिया इनका, चार साल बाद 25, 4 साल बाद 60, 5:5। अब सवाल में एक एक बात जो ये कहता जा रहा है वो देखते जाएंगे, करते जाएंगे, देखते जाएंगे, करते जाएंगे, एक प्रोसीजर समझ में आ गया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्या लिखूं? तीन साल बाद आ गया। अब इतनी स्पीड से तुम्हारा पेन चले उसके लिए प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए, हाँ या ना? वेरी गुड, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, एक्स 2x, 20 साल पहले -20 -20, 12 गुणे हो गए तो गुणा करके 12 लिख दिया। बोलो नहीं आया? ऐसे देखते जाएंगे, करते जाएंगे, अगर पहले वाली बात आएगी तो माइनस करना है, बाद वाली बात आएगी तो आ रहा है समझ में? और पहले और बाद वाली बातों में से अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी माननी है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाली बात मानेंगे। क्या करेंगे? पहले वाली बात मानेंगे, बाद वाली बात निकालेंगे, उससे जो प्लस में रहेगा माइनस में नहीं रहेगा। ज्यादा अच्छा रहे कि हम माइनस ना आने दें और डिवाइड ना आने दें, तो इक्वेशन आसान रहेगी, वरना एक स्टेप और बढ़ता है, हाँ या ना? 12 से गुणा करेंगे तो 10x = x = आया। पिता की कितनी? इतना आने के बाद चेक करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बस 20 साल पहले 2, 20 साल पहले 24, 12 गुना ये दुगना 20 साल पहले पिता की पूछी है, 44 साल, डी करेक्ट आंसर। ऐसा कौन है जिसको सीखना है नहीं आया है? पक्का? वेरी गुड। देखो एक तो होता है बस देखो चल से आ गया काम, और एक ये होता है कि हाँ सही आ गया, और फिर घर पे तुम करके देख भी लेते हो, हाँ या ना? चैप्टर करने का तरीका ये होता है, जैसे कल हम लोगों ने 10 सितंबर तक सवाल किए तो तुमने कल 10 तक करके छोड़ दिए, अब आज फिर हम सवाल करें तो तुम 1 से चालू करोगे या 11 से? 1 से कंटिन्यूस करना चाहिए, हाँ या ना? पहले वाले सवाल तुम्हें बेशक आसान दिखते हैं, पहले वाले सवाल अगले आने वाले सवालों के बच्चे होते हैं, उनमें से जो है निकल निकल के बातें आती हैं, हाँ या ना? आगे बढ़े। वेरी गुड, कोई दिक्कत? बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़े। पढ़ो, महेश की वर्तमान आयु, उसके पिता की कितने वर्ष बाद, प्लस प्लस कितने गुना? 2x + 20 = आ रहा है
दो एक्स बराबर एक्स बराबर पांच एकम पांचों। अब इतना करने के बाद 10 साल जोड़ना है तो 15 और 30 दुगुना 4 गुना 10 साल बाद पुत्र की पूछी है 5 साल। ए सही उत्तर। यहां इतना करने के बाद ये जरूर देखना चाहिए पूछा क्या है और हम बता क्या रहे हैं। कई बार ये पूछता कुछ और है, बता हम कुछ और देते हैं। हाँ या ना? Yes, आ रहा समझ में? जैसे कई सारे मैसेज थे, कल मैंने काफी देर तक मैसेज पढ़े, उसमें कई सारे मैसेज थे क्या कि सर हम जब क्लास में उन पेपर में सवाल करते हैं तो गलत होते हैं, तो पेपर में सवाल होते हैं और तुम गलत करते हो तो खुशी की बात है, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम गलत करते हो। ये जितनी गलती करनी है यहाँ प्रैक्टिस में कितनी कर लो, जब पेपर में जाओ तो वहां मत करना। और फिर सवाल देखने पर सवाल आया तो हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, वो मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ पेपर। क्लास में ये सवाल करना तो तुम्हारा दिमाग सारा मूड सेट है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एजेज के सवाल हैं, लेकिन जब पेपर करते हैं तो कोई सवाल ट्रेन का, कोई डिस्टेंस का, कोई स्पीड का, कोई बोट का, कोई जो है इंटरेस्ट का है, कोई जो है रेशियो का है, कोई कहीं से है। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तैयारी अलग अलग लेवल में होती है। जब बिल्कुल नहीं आते, कुछ भी आता ही नहीं, नॉलेज लेना है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा, नॉलेज आने के बाद फिर उसको यूज करना है। ओल्ड जर्नल बैच में नॉलेज यूज होता है, ये बातें सारी सिखा रखी है। हाँ या ना? क्या नहीं सिखा रखी? न्यू जर्नल में नॉलेज दिया था तुम्हें कि हाँ सीखो, देखो ये बातें हैं। अब तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग बातें आती हैं, ऐसा थोड़ी कि एक चैप्टर में एक ही टाइप के सवाल है, कुछ अलग अलग चैप्टर्स की बातें इसमें आती रहती हैं। हाँ या ना? Yes, sir. अब इसके बाद जो तुमने नॉलेज है, जो तुमने यूज किया, यूज करने के बाद उसको तुम कैसे यूज करोगे, अभी तो मैं सिखा रहा हूं ना तुम्हें। जब एडवांस का जब पेपर होता तो उस पेपर एक दो मैसेज थे उसके कि अगर गारंटी बैच वाले सिलेक्शन लेंगे तो ओल्ड जर्नल वाले, अब पहले ओल्ड जर्नल वाले सिलेक्शन लेते थे तो न्यू जर्नल वाले लोगों ने न्यू जर्नल ज्वाइन किया, उसके बाद ओल्ड जर्नल किया, ओल्ड जर्नल से नेक्स्ट लेवल है गारंटी बैच, कंपटीशन बढ़ा तो तैयारी का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? तो ये बात थी कि जो उसमें ओल्ड वाले क्या करेंगे, फिर ओल्ड वाले रह जाएंगे और क्या बताऊं। हाँ या ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। किसकी मानू? कितनी? राकेश की। राकेश की आयु ये रही 3x, राम की आयु की x की 3 गुणी है ना, 3 गुणी। कितने साल पहले? अगली बात कब की है? कितना फर्क आ गया? प्लस प्लस। ऐसे कितने जिनको ये बात समझ में नहीं आती? सबको। कितने से गुणा करूं? 2 से गुणा करेंगे, दुगुनी है उस टाइम पर। ब्रैकेट खोलेंगे, बोलो 2x जमा 40 बराबर 3x जमा। आ रहा समझ में? अंतर बोलो, अंतर x बराबर। वेरी गुड, यहां क्या आएगा और यहां 60। ये कब की बात है? अब कितने का? अब ये और 10 साल बाद ये कितने का? और ये 10 साल बाद दुगुना होगा, 10 साल पहले 3 गुना है। वर्तमान में आयु कितनी है? अनुपात क्या है? आ गया। yes, 5 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल पहले, 10 साल बाद, इस प्रकार की चीजें देंगे तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछता है और ये सवाल आता है। आ रहा समझ में? yes, पहले वाली बात मानना, जितने साल का डिफरेंस हो उतना मान लेना। यहाँ पर तो 10-10 का है, कहीं पर 2 और 8 का हो, कहीं पर 4 का और 16 का हो। हाँ या ना? yes, मेरी बात समझ रहे हो? yes, आ रही है समझ में? वेरी yes, गुड। क्लास में जब सवाल हो रहे हैं और सवाल नहीं आ रहे तुम्हें तो तुम्हें बोलना चाहिए कि मेरे को नहीं आ रहा सवाल, उसके बाद जो भी बात होगी वो मैं बताऊंगा। 2-3 साल बाद या तो तुम्हारे पास नौकरी या तुम्हारे पास बहाना एक चीज मिलेगी। हाँ या ना? yes, अब वो बहाने कुछ भी हो सकते हैं, अगर नौकरी नहीं है ना तो जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो बहाना है, अगर नौकरी नहीं है तो बहाना है। हाँ या ना? yes, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि घर में जो है पापा वो नहीं पढ़ने देते, माँ नहीं पढ़ने देती, घर का माहौल नहीं है, गरीबी है, फलाना है, ढिमकाना है, जो कंडीशन है वहां से रास्ता ढूंढना है हर एक आदमी को, हर एक आदमी की अपनी अलग अलग कंडीशन है। हाँ या ना? वेरी yes, गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं? yes, पढ़ो। क्या लिखूं? yes, 8 गुणी काम की बात है इसमें। yes, जब तुम कहोगे ना कि हमें यह सवाल नहीं आया तो इसके अंदर मैं पूछूंगा काम की बात क्या है, तो काम की बात है 8 गुणी। काम की बात क्या है? 8। और जिनको नहीं आता होगा ना वे सब कहेंगे 4 साल पहले काम की बात है। रेशियो काम की बात होती है, रेशियो के चैप्टर में। आ रहा है समझ में? yes,
जिसका सवाल अटकेगा ना और मैं पूछूंगा बताओ काम की बात, तो काम की बात 4 साल बताएगा, 4 साल पहले, 4 साल पहले काम की बात नहीं है, 8 गुना काम की बात है। 8 गुना का यूज करके हम एक्स और 8x लिखेंगे। यह घटना 4 साल पहले की थी। अगली बात वर्तमान की है तो क्या लिखूं, कितने गुना आया सबको, कोई डाउट, आगे बढ़ूं, बोलो क्या लिखूं, 4x जमा, आगे बोलो ना, 8x जमा, एक्स वालों का अंतर 12। यहां पर एक स्टेप हम अपने आप खा जाते हैं, 4x को उठा के यहां से इधर ले गए, 8x तो पहले ही था माइनस 4x, इस 4 को उठा के इधर ले गए, 16 तो पहले ही था माइनस 4, और ये बराबर लिख दिया, ये क्या आया और ये क्या आया, इस 4x को इधर लिख सकते हैं, इसको 12 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4x, ऐसे कोई फर्क तो नहीं है, पर ज्यादा अच्छा इधर वेरिएबल लिखे इधर कॉन्स्टेंट लिखे, हाया ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ब्रैकेट खोलेंगे ये आएगा x एक तरफ बिना x एक तरफ, हाया ना, x बराबर ये 3 है, ये 24 है, 4 साल पहले, अब कितना, अब आया पहले वाली चीज ऊपर लिखना, नीचे जोड़ के लिखना बाद वाली, और बाद में लिखना तो और बाद कैसे, और जोड़ के नीचे लिखना, ऐसे करना, ये हमेशा के लिए रूल बना लो, इधर छोटा इधर बड़ा, पहले की बात ऊपर बाद की बात नीचे, अब किसको नहीं आया, पक्का गया, वेरी गुड। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, कोई बोल रहा था, सबको आ गया, कोई डाउट, क्लियर, आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है, सबको आ गया, yes, sir. पक्का, yes, sir. कोई डाउट, no, sir. क्या लिखूं, yes, sir. x और no, आगे बढ़े, yes, 20 वर्ष पहले माइनस 20 माइनस 20 6 गुना, तो गुना 6 बराबर 6x माइनस 120 बराबर 4x बराबर 100, x बराबर 25, 25 बेटा 50, पुत्र 20 साल पहले 5, 20 साल पहले 30, 6 गुणा दुगुणा 20 साल पहले, सारे काम सेट। तो उसके राम और पिता के दोनों की पूछिए, 25 और आया, मैंने नंबर सिस्टम में तुम्हें 3 बातें बताई होंगी। नंबर सिस्टम में सवाल 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें शुरुआती बात दे, बाद में उसमें बताएं घटाओ जोड़ो गुणा करो ऐसे कुछ कुछ करते जाए, हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं, और जैसे हमें बाद की बात दे, पहली बात दे ही ना, तो वो मानने के सवाल। अब मानने के सवाल मैंने तुम्हें कहा था कि अगर भिन्न है तो 1 मानेंगे, अगर प्रतिशत है तो 100% मानेंगे, और भिन्न और प्रतिशत नहीं है तो, आ रहा समझ में, नंबर सिस्टम में x मान करके सवाल करने की जो आदत होती है वो बहुत भयंकर खराब होती है, वो फेल करवाती है, टाइम लंबा लगता है उसमें, हाँ या ना, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो उस टाइम पर टीचर ये बोलते थे कि जिसको सवाल में x मान करके सवाल करना आ गया वो नौकरी लग गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पर ये बोलते थे देखो भाई जिसको जीके आता है उसको आता है, जब हम पढ़ते थे तब ये बोलते थे जिसको इंग्लिश आती है उसको आती है, वो तो सवाल देखा आता टिक किया, नहीं आता तो छोड़ के अगले पर बढ़े, हाँ या ना, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे और शुरुआत में पढ़ाते थे तो हम ये बोलते थे देखो यार तुम्हें हिंदी आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, क्वेश्चन देखा आगे बढ़े, जीके आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, देखा आगे बढ़े, हाँ या ना, सारा टाइम बचा के मैथ और रीजनिंग पर लगाना है, हम ऐसा बोलते थे, हाँ या ना, हमारे टीचर ऐसे बोलते थे, तो सारा टाइम मैथ और रीजनिंग पर, उनको पूरा कर दो और बाकी चीजें जो तुम्हें आती हैं उतनी कर दो, हो गया सिलेक्शन, ये था सिलेक्शन पहले। अब उल्टा है इसका, अब जीके में वे बातें नहीं आती कि अनपढ़ मुगल शासक कौन था, अब अगर पता है तो लगा दिया, नहीं पता है तो छुट्टी, उस पर टाइम क्यों खराब करना, आया था ये, कौन सा मुगल सम्राट अकबर था, JBDK एंट्रेंस टेस्ट में आया था, और फिर खलबली मची, बोला भाई किस ने पढ़ रहे, कौन पढ़ रहा था कौन नहीं पढ़ रहा था, NCERT की किताब 7वीं, उसमें लिख रखा था अकबर, और पहली लाइन टैग लाइन लिख रखी थी अकबर एक अनपढ़ शासक था, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये NCERT पढ़ने चाहिए, अब ऐसी बातें जो है ये क्या थी। फिर उसके बाद जो है ना जैसे बाल की खाल उतरने लग गई, हम लोग जो है ना हमारे सामने हुआ था ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पेपर होना, हमारे से और थोड़ी सी पहले पेपर नहीं होते थे,
उस टाइम पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग था, बीच में अलग था, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जब हमारे दादाओं के टाइम थे ना, हमारे गांव में दो आदमी जो हमारे दादा लगते थे रिश्ते में, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वे दादा लगते थे। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? उनका नाम निकाल रखा था बिल्ली कुत्ती। हम उनको बोलते थे जैसे कुत्ती क्या कहिए करके आओ, बिल्ली क्या कहिए करके आओ, ऐसे थे। क्योंकि उनके जो बच्चे जो हमारे ताऊ वगैरह लगते थे, दादा लगते थे वे, बिल्कुल हम जब छोटे छोटे थे तो बूढ़े खुसर थे तो जल्दी राम को प्यारे हुए। वे दोनों आर्मी में लग गए थे। आर्मी में लगने से पहले उन लोगों ने अपना नाम लिखना सीख लिया। गांव में आके पूछा नाम लिखना किसको आता है, तो बोला इन दोनों को आता है। दोनों अंठा ले गए, बोला चलो तुमने नाम लिखना हुआ है। बोला नाम लिखना हुआ है, बोला फौज में भर्ती करेंगे। जिसको नाम लिखना आता था तो पुलिस और फौज में भर्ती करते थे, जिसको पढ़ना आता था तो उसको टीचर लगाते थे, और जो पांचवीं पास था उसको डीसी। देश आजाद होते ही, हंसने की बात नहीं है, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मेरे दादा वगैरह क्या बोलते थे, बोला हम तो स्कूल के पास छः के बिल कर जाना जब भी नौकरी लगा दिया करते लोग, तो यही तो घटना है। हाँ या ना? तब आर्मी में ना जूते मिलते थे, ना ड्रेस मिलती थी, ना कपड़े मिलते थे, ना खाना मिलता था, क्योंकि गरीब राष्ट्र था भारत, के पास पैसे नहीं थे। कभी पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो रहा, कभी चीन के साथ झगड़ा हो रहा, कभी कुछ हो रहा, सेना जरूर चाहिए, हथियार थे नहीं, फैसिलिटीज थी नहीं, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी ना हो ना तो उनको जो और ज़्यादा टाइट कर देते, दे ट्रेनिंग रगड़ गिरते। अब यहाँ पर जो है जैसे जिनके घर में यहाँ खाने पीने को है तो वहाँ कैसे मरे, यहाँ कुछ भी खाने पीने को था नहीं तो वहाँ रहते थे, बाकी लोग भाग आते थे। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उसमें फौज में 100 आदमियों को ले गए तो 40 तो भागने ही भागने, 60 बचते थे। अब रोज के रोज जो भागते तो उन भागने वालों के खिलाफ उन बाकी लोगों का मनोबल बनाए रखना, तो ये थी कहानी। मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई सुबह, कोई शाम, कोई दिन में किसी को टाइम भागते तो उन्होंने प्लानिंग बनाई, अपना बैग उठाया और दोनों जने जा बाजी। अब वो जो सैनिक बैठे थे उन्होंने बोला वे गए, तो जो उनका कमांडर था ना बोला देखो भागे जा रहे हैं, आगे आगे बिलिया, पीछे पीछे कुतिया। वो कोई जो उधर उधर का जो कोई जो या तो साउथ का था या कोई नॉर्थ ईस्ट का था, जिसको ये बात पता ही नहीं थी। हाँ या ना? वे गांव में आए, गांव के आके पूछा बोला क्या होया थारी गेल, बोला न्यू हुई मारी गेल थे। तो फिर उनका नाम पक गया। वो एक दौर बताया कि नौकरी कैसे लगते थे, सरकार जबरदस्ती पकड़ के ले जाती थी। हाँ या ना? फिर स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई, सरकार को जरूरत थी, स्कूलों में सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होती थी, जहाँ स्कूल थे वहाँ पढ़ाई बढ़िया, और जिसको नाम लिखना आ गया तो फौज में, जिसको पढ़ना आ गया तो वो टीचर, और जो पांचवीं पास कर गया वो डीसी, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब। हाँ या ना? धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग बढ़ गए, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग बढ़ गए। अब पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी नहीं है। शुरुआत में तो जो पढ़ गया वही लग गया, जो पढ़ गया वही लग गया, जो पढ़ गया वो लग गया। जैसे हमारे दादाओं के एज के लोग थे तो गांव में का था ही तो पढ़ रहा था, वही लग रहा था। हाँ या ना? धीरे धीरे थोड़े और पढ़ने लग गए तो बात थोड़ी बिगड़ने लग गई। हाँ या ना? 70 तक भारत में बेरोजगारी नहीं थी इस प्रकार से, 70। फिर मामला बिगड़ने लग गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था कि बच्चों को संबोधित करेंगे, एक लड़का खड़ा हुआ, मैडम डिग्री तो है, रोजगार नहीं है, आपने कहा था बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो बेरोजगारी कहाँ हटी? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो वहीं पर रोक दी स्पीच, वहीं पर स्पीच रोकी। इंदिरा गांधी गई कि नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर बाद करेंगे। हाँ या ना? बोलो। उल्टी आई ना तो लड़का गायब। तो जब वो दोबारा बोलने लगी तो बोला नौकरी है नहीं है, रोजगार है नहीं है, वो सोनू कहाँ है? तो दोबारा फिर रोक दिया सेशन, फिर वो भी गायब। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वहां प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्पीच पूरी नहीं हुई, वे बच्चे गायब, जिन लोगों ने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई वे भी गायब। तो ये बात बीएचयू से फिर हर जगह फैली, और फिर नारा दिया गया दिल्ली चलो। तो बिहार से, पश्चिमी बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हर जगह से दिल्ली युवा चल पड़े। उन सबको मैनेज करने के लिए नाम चाहे जो भी दिया गया हो, इमरजेंसी लगा दी गई। तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो रोजगार के लिए वहां संकट शुरू हुआ। अब उस संकट को कैसे निपटाएं? तो ये 80 का दौर था, 80 के दौर में नौकरी लगाने के लिए कंपिटिटिव एग्जाम लागू कर दिया, और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर नीचे कर दिया। मेरी बात समझ गए? स्कूलों में पढ़ाई का स्तर नीचे। उसके बाद जो ये संस्थाओं के स्कूल थे ना, ये चले, इनमें फीस सरकारी स्कूलों की बजाय ज्यादा थी। तो ज्यादा फीस का जो स्कूल है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, कि सिर्फ अमीर आदमी पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए? जैसे हम लोग, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं,
पांचवी क्लास में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच जने वजीफा लाए थे, हमारी क्लास अच्छी क्लास मानी जाती थी, हाँ या ना? उसमें से मैं सरकारी स्कूल छोड़ और फिर हिंदू स्कूल में पहुंच गया, मतलब संस्था के स्कूल में, संस्थाओं के स्कूलों में उस टाइम पर पढ़ गया। कोई डीसी लग रहा, कोई एसपी लग रहा, कोई कुछ लग रहा है, कोई फर्स्ट आ रहा, कोई कुछ आ रहा है। जो हमारे साथी थे, जो पांच में से एक में तो आ गया, और जो चार गांव में रह गए सरकारी स्कूल में, उनका पढ़ाई का स्तर डाउन हो गया। और आठवीं क्लास में एक ने मेरे से पूछा कि पास हो जाएगा क्या? अब जहां नंबर 100% आने की उम्मीद हुआ करती थी, वहां पास हो जाएगा तो तीन साल में लेवल कहां गया? हाँ या ना? बोलो। ये पढ़ाई की कहानी थी। फिर भी लोग पढ़ जाते थे, फिर भी पढ़ जाते थे, फिर भी पढ़ जाते थे। तो फिर सरकार ने क्या किया? नो डिटेंशन पॉलिसी, बच्चे को पीटना नहीं, धमकाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो अब 15 साल बाद अब बच्चों को जाके देखो ना, जो अब नए डेमो क्लास आते हैं, तुम लोग थोड़े बहुत कसर मसर अब तुम्हारे अंदर हो गई, जो डेमो क्लास में आते हैं उनका हाल देखो ना क्या है। उनको कुछ भी नहीं आता। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, मैकाले शिक्षा पद्धति की, मैकाले की शिक्षा पद्धति में उनको पढ़ना तो आता है, लेकिन उनको अकल कुछ भी नहीं है। वे कर क्या रहे हैं? वो शक्ल से भारतीय है और सोच समझ से इंग्लिश है। हाँ या ना? भारत के लोग ही भारत के लोगों के खिलाफ काम करते हैं। अगर भारत के लोगों ने भारत के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया होता तो अंग्रेजों का राज 200 साल थोड़ी चलता। हाँ या ना? यहाँ के लोगों ने वो वर्ग विशेष की कहानी छोड़ दी। नो डिटेंशन पॉलिसी से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब चीजों का तो भट्टा गोल किया, पढ़ाई का हाल खराब किया। अब लोगों के पास एमए की डिग्री तो है पर रोजगार नहीं है, एमएससी की डिग्री तो है पर उनको मैथ नहीं आता है। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब उस बात को क्या करें? अब उसका नेक्स्ट वर्जन है, देश की आजादी होने से और यहां तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से चला और मेरी समझ क्या करती है। रही कही कसर इस कोरोना ने निकाल दी। हाँ या ना? अब नई एजुकेशन पॉलिसी, अब हम सहायता नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी को चलाने का खर्चा हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। लोन पर ले लो, अभी तो ले लो लोन, और फिर बच्चों से ज्यादा फीस वसूल करो और अपना लोन चुका देना। अब फीस पहले ही 10-15 हजार, 20 हजार रुपए जिस कोर्स की है, अगर वो 3 गुना 4 गुना बढ़ती है तो 70-80 हजार रुपए, 90 हजार रुपए कोर्स हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो आम घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो किसी प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, वो सब खत्म है फिर। हाँ या ना? तो ये शिक्षा और रोजगार एक आम आदमी के हाथ से छीन करके इस मामले को टोटली खत्म। कभी रोजगार में जातियों के नाम पर बांटा गया, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बांटा गया। अब इन लोगों को देश में सबसे बड़ी समस्या दिख रही है कि ताजमहल है या तेजो महल है या जो भी है, और ये कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार है या विष्णु टावर। अब देश में समस्या ये है, देश में लोग जो कल पानीपत में जो है सड़कों पर थे, युवा जींद में थे, कल परसों जो कैथल में थे, अभी जो मैं फोन कर रहा था तो बोला जो है जैसे ये ऐसे तो ऐसे कैसे करते रहेंगे, और हम चाहे कितने ही कूद लें जब तक शराब नहीं बोलोगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। ये अब तुम भी मान गए या नहीं मान गए? ये जो पानी मार, बिना पानी मार, ये कर दिया, वो कर दिया, सरकार के तलवे चाटे ना चाटे, हाँ चाटे, वो सब कुछ चीजें। जो आदमी सही काम करता है उसकी बुराई करने वाले 100 नहीं 1000 नहीं 1000000 आदमी होते हैं। हाँ या ना? अंग्रेजों का जो दौर था, शासक वर्ग के लिए जो भारत के ही लोग काम करते थे, उसी प्रकार से अब भी तो करते हैं। हाँ या ना? लेकिन समय आने पर सब एक्सपोज होता है और सब चीजें बाहर जाती है, और सबसे बड़ी चीज होती है सूचना। वो सूचना युवाओं तक पहुंची रही है। अब तुम लोग ट्विटर पर काम करते हो नहीं करते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी ईमानदारी है। तुम मेरे स्टेटस को अपने स्टेटस पर लगाते हो कि नहीं लगाते हो, ये तुम्हारी अपनी ईमानदारी है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि परिमल कुमार अकेला बदल देगा सिस्टम, तो गलत सोच। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुट्ठी भर लोग जो इसको बदल दोगे, तो गलत सोच। तुम लोगों को अपने व्हाट्सएप और ये सब चीजें लगानी चाहिए कि देश के अंदर समस्या है रोजगार, देश में समस्या है महंगाई, देश में समस्या है भ्रष्टाचार, देश में समस्या है अशिक्षा, और ये स्कूलों का मामला, छोटे छोटे बच्चे टीचर है ही नहीं। कल जो बहुत सारे जो इस प्रकार से उसमें आए हैं कि जो है एक टीचर 200 स्टूडेंट्स, एक टीचर 500 स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बहुत सारे मामले। कल एक और रिपोर्ट थी कि पिछले जो है पिछले साल 500 समथिंग सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और पिछले साल 3000 प्लस प्राइवेट स्कूल खुले हैं। तो ये शिक्षा का व्यवसायीकरण सरकार कर रही है या आदमी कर रहे हैं? मुझे हमें कहेंगे हम धंधा चला रहे हैं, तुम हमारा धंधा चलने क्यों दे रहे हो? तुम सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहे? हाँ या ना? सबको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये जब 1990 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पर भारत के लोग सभी इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल मचाया और सबके मन में धीरे धीरे डाल दिया कि इतना प्राइवेट ना होगा ना, इतना सूत बैठे ना, जो भी पढ़ा लिखा आदमी था ना, जो भी पढ़ा लिखा आदमी, हर एक आदमी ऐसा मुंह बनाता इतना प्राइवेट ना होगा ना, इतना शुद्ध रहे ना, ऐसा मुंह बनाकर नन्यू बतलाऊ। जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी, ये थी उस टाइम पर।
इतने निकम्मी और नकारा पीढ़ी थी, पूरे देश में चीजें बिकती रही और उन्होंने सबको क्या सिखाया, हमें भी सिखाते थे, तू अपना काम देख लेना, तू अपना करियर देख ले, तेरी नौकरी लग जाए तो अपना देख, ये कर वो कर, इस प्रकार से। और ऐसा होने से अब जब बिजली संकट हुआ तो मेरा संकट था या देश का? अब तेल महंगा बिक रहा तो मेरा संकट था या देश का? अब सड़कों में गड्ढे हैं तो किसका संकट है? अब रोजगार नहीं मिल रहा तो किसका संकट है? ये हाल है। अगर तुम चाहते हो ना कि हाँ बढ़िया सीन बने तो अच्छी क्वालिटी के तो एजुकेशन और सही तरीके से बोलना आना, अगर ये दो काम तुम्हें नहीं आते ना तो फिर मामला गड़बड़ होगा। आगे से हम हैं नहीं है, कोई है नहीं है, प्रदर्शन करना ना या जो कुछ भी करना है, तो किसान आंदोलन से तुम लोगों ने इतना सीखा कि नहीं सीखा कि शांति की भूमिका क्या है? जो महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग है ना, महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग, महात्मा गांधी को गाली देते देते छिक लिए, अब पिछले 5-4 साल से महात्मा गांधी का नाम कहां है? क्यों गायब? कितने दिन महात्मा गांधी को गाली देकर चलाएंगे? कितने दिन जवाहरलाल नेहरू को गाली देकर चलाएंगे? कितने दिन कांग्रेस को गाली दे देकर चलाएंगे? अब हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं हो रही तो किसको गालियां दे? तो ताजमहल किसने बनाया था और किसने नहीं बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाई थी और किसने नहीं बनाई थी, कल ने लाल किले ने कह देंगे, फिर चांदनी चौक ने कह देंगे, हाँ या ना? ऐसे कह के थारे घर ने भी कह देंगे, भाई तुम लोगों ने जो घर बना रखा तो घर में जो है उस घर ने खोद लो, नीचे कुछ ना कुछ तो और कुछ मिला जाएगा, हाँ या ना? और ये सेक्टर है सेक्टर 14, तो पहले यहाँ पर खेत थे सेक्टर 15, मैंने खेत देख रखे हैं, सेक्टर 23 पूरा खेत था। हम लोग विकास नगर में अपनी बुआ के घर रहते थे और बरसिम काट के लिया करते, वहां से बड़बेरियों का बाग था, बड़बेरियों का बाग तो अब तक तो जो दीवार तो अब भी है, वो जो एक किले में कॉलोनी सी काट रखी है उसमें, हाँ या ना? अब सेक्टर 23 ने नीचे तक खोदोगे तो खेत तले खड़ेंगे, हाँ या ना? इस सेंटर ने खोदोगे तो सर्विस स्टेशन लिखेगा, बोलो जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब सेंटर कह दो सर्विस स्टेशन वाले का है, ऐसे तो संसद को खोदोगे उसके नीचे भी कुछ निकलेगा, हाँ या ना? ये हरसाना मालसा सोनीपत का ही हरसाना मालसा, ये हरसाना गांव था वहां, और इनकी जमीन एक्वायर करी थी, इनको यहां भेजा था, हरसाने गांव का आदमी एक वहां पर राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेटेड हो सकता है, पता है तुम्हें? कमाल के आदमी, हरसाने का कौन है तुम्हें पता है ये बात? जय श्री राम। तुम्हारे गांव के आदमी ने पिछली बार नॉमिनेशन कराया था, तुम्हारे किसी एक आदमी ने, तुम्हारे गांव के ने पिछले इलेक्शन में, हैं? छोटियाड़ा कहा करते, जो भी कहा करते, लेकिन नॉमिनेशन किया था। आगे वो नॉमिनेशन पास तब होता है जब 50 सांसद उसको वो करते हैं, जब तक वो नहीं होता तब तक, लेकिन अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, और किया था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे डिक्रेस्ट यूनिवर्सिटी है, डिक्रेस्ट मुरथल गांव की जमीन पर है, तो मुरथल के गांव के लोगों को वहां पर कुछ स्पेशल वो मिलते हैं, 2-4 सीट मिलती है कोर्स में। ऐसे ही हरसाना मालसा की जमीन पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन, जाके आज पूछना अपने पूर्वजों से, अपने बड़े पूछो बूढ़ों से, ऐसे पूछ लेना चाहिए कभी कभी कि यहाँ क्या था, हम कैसे आए, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इमरजेंसी में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, हाँ या ना? हमारी पीढ़ी टोटली संस्कारों से कटी हुई, टोटली ज्ञान से कटी हुई, टोटली पढ़ाई से कटी हुई, और इस पढ़ाई का इंप्लीमेंट क्या करना है लाइफ में पता ही नहीं। कोई सा कहेगा ये हम ट्रिग्नोमेट्री कित काम आओ, मेरी समझ मत आती नहीं, ऐसा मुंह बनाकर बता देंगे, हमने अपने टीचर से बहुत सारे गुरु सीखे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी, हाँ या ना? बोलो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती है, मैं BMW में चलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री BMW में चलाने के काम आती है। जिसको BMW में चलना हो ना, ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओ, अलजेब्रा सीख जाओ, ज्योमेट्री सीख जाओ, ये नंबर सिस्टम सीख जाओ, हाँ या ना? ये जो मैथ है ना, ये मैथ बना बे रहना कित काम आओ, ये मैथ तुम्हें नौकरी लगवाएगा और कारों में बिठा के घुमाएगा, हाँ या ना? और थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो बड़ी कार, और थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो हेलीकॉप्टर। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या कर रहे हैं, भले एक जरा मैथ पढ़ेगा और उसकी गेल हिस्ट्री पढ़ेगा और उसकी गेल पढ़ेगा कॉमर्स, और फिर जब वो अप्लाई करने जाएगा ना, जिनको कहेंगे साइंस साइड है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, बोले मेरे दौरे तो कुछ भी कौन है, बोलो फिर, बोले फिर किता अपने करा, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ताली बजा के बताओ, अब जिसने जो पढ़ना हो ना पढ़ लो, अरे जो पढ़ना हो पढ़ लो, पढ़ने के बाद आगे, अरे बीकॉम करने के बाद बीएड करवाते, बीकॉम करके बीएड की वैकेंसी आज तक नहीं आली। जिस आदमी ने कोर्स डिजाइन कर रखा उसको पीटा नहीं जाना चाहिए पकड़ के, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, हाँ या ना? अब ये जो एस्टेट है, एस्टेट मैंने कहा था ये एस्टेट सबको मरवाएगा, एस्टेट ने कितने टीचर्स का हाल क्या बना दिया,
खाया ना। yes, अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें याद ही नहीं रहती, हुआ क्या गलत, क्या हुआ ठीक, क्या हुआ और कुछ क्या हुआ, इसलिए झंझट होता है। ये काम बहुत आएंगे तुम्हारे, किसी को ये लगता है ना ये काम ना हो तो ये सीख जाओ, ये आएंगे काम तुम्हारे। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल तेज आवाज में, क्या करें? एक्स और आगे प्लस पांच, प्लस पांच ढाई गुना क्या होता है, ये क्या होता है, इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटे की गुना बड़े से करके बराबर लिखेंगे, बड़े की गुना छोटे की गुना करके। एक बार कह दो नहीं आया, अब ये आ गया तो इसको रेगुलरिटी और सिंसियरिटी से सीखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पांच एक्स जमा पच्चीस बराबर छह एक्स जमा आया, एक्स बराबर आया, ये पंद्रह, ये पैंतालीस, पांच साल बाद बीस, पांच साल बाद पचास, ढाई गुना तीन गुना पांच साल बाद वर्तमान आयु पूछी है, ए ऑप्शन पंद्रह और पैंतालीस। एक बार कहो नहीं आया, आ गया तो आगे बढ़ो जल्दी से। क्या लिखूं, कितने साल बाद, कितने गुना, ऐसा कौन है जिसको लिखना नहीं आ रहा, बोलो ना जल्दी। बारह और छत्तीस है, बारह साल बाद चौबीस और अड़तालीस, दुगुना तीन गुना बारह साल बाद, सारे काम सही हो गए, पिता की पहले पुत्र की बाद में, छत्तीस और अब किसको नहीं आया, आगे बढ़े, वेरी गुड। तीन गुना देखो एक ही जगह है, बाई चांस ऐसे भी आ जाता, और कहीं तीन गुना था ही नहीं, आया ना। कई बार ट्राई ऑप्शन से, ट्राई ऑप्शन देखना ज्यादा अच्छा वो होता है, कई बार ट्राई ऑप्शन से बहुत बढ़िया सवाल निकलते हैं। पढ़ के दिखाओ, क्या लिखूं, कब की बात है, अगली कब की, क्या करूं, प्लस बीस, प्लस कितने गुना, जल्दी गुना करो, दस साल पहले उम्र कितनी थी, चार गुना, अब कितनी, दस साल बाद कितनी, दुगुनी, आया सबको, अनुपात, पहले किसका नाम है और बाद में सरला का, पांच अनुपात, ये किसको नहीं आया, सवाल में ये देखना पड़ेगा कि पहले किसका लिखा बाद में किसका लिखा, अनुपात उस हिसाब से होगा, दो अनुपात पांच और पांच अनुपात दो में फर्क पड़ेगा, बोलो नहीं आया, पक्का आ गया, आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ चलो। एक्स और कब, कितने गुना, डेढ़, इसकी गुना, इसकी करो तीन गुना, ये कितना, और ये, और बीस साल बाद, ये डेढ़ गुना, ये दुगुना, बीस साल बाद पिता की वर्तमान आयु कितनी, ऐसा कौन है जिसको अभी नहीं आया, आयु का चैप्टर समझ में आया, कई बार डीएसएसबी में सिर्फ रेशियो और आयु का चैप्टर दिया, टोटल 20 नंबर, 20 के 20 ये पकड़ा दिए, एक बार नहीं हुआ, टीचिंग के एग्जाम में कई बार हो लिया, कलर के एग्जाम में कई बार हो लिया, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, वेरी गुड, डीएसएसबी के पेपर की बात हो रही है, आगे बढ़े क्या, एक बार पढ़ के दिखाओ, इसमें हमारे काम की बात क्या है, अनुपात, दो एक्स तीन एक्स चार एक्स, ये कब का है और जोड़ कब का है, दस साल पहले कितना था, अब कितना, दो एक्स प्लस, दस साल पहले
अब दो दस साल पहले, अब इन सब का ए जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, 9x+30=93, 9x=63, x=7, 7 × 9 = 7, 7 × 7 = 10, 10 साल बाद इसकी पूछी है। अमित लास्ट वाला है, किसको नहीं आया? पक्का कोई डाउट है? बहुत ही अच्छी बात, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये, मोबाइल में लग रहे हैं, कौन? अच्छा, आगरा में लास्ट लाइन में जो नीला बैठा है, देखो मोबाइल पे लगा हुआ है। इस नीले के साथ बैठे हुए अपने आप घर जाके बता देना कि पेपर का रिजल्ट आएगा तो हम फेल होंगे, जिसका पड़ोसी मोबाइल यूज करता है वो भी फेल है। अटेंडेंट है क्या आगरा में? पढ़ के दिखाओ। जिसके पास अब क्लास के टाइम में मैसेज आते हैं, बाद में नहीं आएंगे। ये नीला नहीं हो दीवार के, सारे नीला बैठा पीछे, सारे लीले हो रहे हैं, मतलब किसकी बात हो रही है? पिछली लाइन में चार जने दिख रहे, एक व्हाइट दिख रहा, व्हाइट के बाद थोड़ा सा ग्रे दिख रहा, फिर थोड़ा और ग्रे दिख रहा, फिर वो नीला दिख रहा, लास्ट लाइन। आदमी को कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, बहम नहीं पालना चाहिए, क्या पालना चाहिए? कई साल पहले, चार पांच साल तो हो गए, 6-7 बेशक हो गए हो, 7-8 लड़कियों का एक गैंग और 7-8 लड़कों का एक गैंग। मैंने उनको बहुत कहा कि तुम फेल हो जाओगे, बोले नौकरी जरूर लागनी है, न्यू मुंह रखते क्लास में पटे ना, मैं अपने पट जाते एक बिना लाग लिया, बोले हमने जरूर लागनी है। मैं तुम कैसे लगोगे? बोले देख लियो तो हमने जरूर लागनी है। हाँ या ना? बोलो गोबर पात पात के ना हाथ पाट रहे हैं, सत्य घटना। हाँ या ना? जिनको मैं पर्सनली यहाँ कह दिया करो तो कुछ ना कुछ इशारा सब बैठा कर, फिर वे मेरे दौरान पढ़ा कर। उन 3 लड़कियों को 4-5 दिन पहले हाथ पकड़ के दिखा दिया, मैं हाथ क्यों कर पाट गए? बोला जो क्यों मजाक करो हो, मैं मजाक में ना करता, मैं तो जब भी सीरियस था और आज भी सीरियस हूँ। क्यों ICU में हूँ मैं, कम है? हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? उन सारी लड़कियाँ तो कई थी, मैंने भाई पढ़ लो ना तो मामा बनोगे सारे, जब सारे मामा बन रहे हैं सारे बन रहे हैं। हाँ या ना? तो ये जो बात जो ना, ये बातें जो मैं कहता हूँ ऐसे नहीं कहता, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, तुम वो गलतियां ना करो इसलिए तुम्हें बताते हैं। हाँ या ना? बोलो वो सारे अपने जो कुछ इस प्रकार दर्द भरे जो नगमे गाँव है, दर्द भरे नगमे, जो बोले न्यू कहा करती, मैं न्यू करती हूँ, आज बोला लखाती भी कौन यार झूठ नहीं बोल रहा। एक दिन यहाँ सोनीपत में कवि सम्मेलन करवा रहे थे, मैं नहीं भी बुला रहे, अब बुलाए पास फिर मेरे तभी सुना हुआ है। मैं मंगा भाई तुमने पहले ही बता ही दिया, बात बढ़ेंगी तारी गिल बनेगी। हाँ या ना? तो जो इस प्रकार से है ना, जिनको अब ये टाइम पढ़ने का नहीं दिखता, ये बहुत भयंकर गड़बड़ होगी। हाँ या ना? और 5-7 साल 10 साल बाद ये पढ़ाई लिखाई और बिना पढ़ाई लिखाई और ये ज्ञान, ये डिफरेंस, अंग्रेजों के टाइम पर भी जो पढ़े लिखे थे उनकी वैल्यू थी या नहीं थे? उससे पहले इतिहास में भी आर्य भटवरा अमीरी, इनका नाम कैसे जानते हो तुम? पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू थी, राजा रखता था अपने पास। हाँ या ना? अकबर भी नवरत्न रखता था, बीरबल। आ रहा समझ में? तो पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू हमेशा थी, अब है कि नहीं है? और आगे आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, पढ़ाई और ज्ञान और इसको इम्प्लीमेंट करना। हाँ या ना? वेरी गुड, पढ़ाऊँ आगे? बहुत ही अच्छी बात है। काम की बात कौन सी है? कितना अनुपात है? ये अरुण और ये अरुण के बारे में बताया, 6 साल बाद आयु कितनी? जब आयु दे रखी हो ना, शुरुआती आयु दे तो रखी है, इसमें नहीं मानना, इसमें एक्स नहीं लगाना, दे रखी पहले से ही। 6 साल बाद कितने का? 6 साल बाद 26 का, तो अब कितने का? 20 किसको कह रहा है?
कितने गुना? कितने गुना? उत्तर बोलो, बोलो नहीं आया समझ में? पक्का गया? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ। सबको आ रहा है? क्या लिखूं? इसको कितने से गुणा करूं और इसको बराबर कर देंगे? आगे किसको नहीं आता? कर दोगे? वेरी गुड। आनंद की पूछ रहा है, अगर मैं आठ मानूं, ग्यारह, ये आठ है तो ये दस, ये तेरह, बनी बात? ऐसे ट्राई ऑप्शन कर सकते हैं। सोलह मानूं, गुणा चार बीस, तीन साल बाद तेईस, तीन साल बाद उन्नीस, बनी बात? कोई बात नहीं। चौबीस मान लेता हूँ, छः तो छः, तीस, तीन साल बाद सत्ताईस, तीन साल बाद तैंतीस, देखना बनी बात? तो कहाँ बन गई? चौबीस में। ऐसे ट्राई ऑप्शन भी कर सकते, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते। आया कि नहीं आया? पक्की बात है? ये किसको नहीं आता? दस वर्ष पूर्व दीपक की आयु, अजीत की आयु की? ये दीपक, ये अजीत, अजीत की दुगनी, अगर इसकी एक तो इसकी दो। दस साल बाद दीपक कितने का? दस साल बाद चालीस का, तो अब कितने का? दस साल पहले कितने का? बीस को क्या करा? तो एक को, दस साल पहले दस था तो अब कितना? बोलो नहीं आया। दस साल बाद दीपक कितने का? अब कितने का? दस साल पहले, दस साल पहले ये बीस का तो ये कितने का? दस साल पहले दस का तो अब कितने का? इनमें एक्स नहीं मानना, क्योंकि इसमें फिक्स डाटा दे रखा है, जिसमें फिक्स डाटा दे रखा है ना उसमें नहीं मानना होता। आया कि नहीं आया? ऐसे कितने जिनको पता ही नहीं चल रहा? मैथ समझ में ना आने का कारण यही तो होता, कहीं एक्स लगा देते हैं कहीं नहीं लगाते, कहीं गुणा कर देते हैं कहीं भाग कर देते हैं, कहीं जोड़ देते हैं कहीं घटा देते हैं। हाँ या ना? yes, तो बाद की बात आएगी तो जोड़ेंगे, पहले की बात आएगी तो घटाएंगे। आ रहा समझ में? वेरी गुड। कहाँ की ब्रांच चाहिए? हैं? बरवाला। बरवाला में देखो, यहाँ के चार जने बैठे, इनके पीछे अगले दो भी, ये देखो फोन पर कितने ज्यादा व्यस्त है, इनको सवालों से क्या लेना देना? राम की आयु और चाहे दीपक की और चाहे सोनू की और चाहे गीता की, इनका क्या मतलब है? अपने मोबाइल में घड़ी में लाग रहे हैं, अब फिर कहेंगे हम फेल हो गए। बरवाला ओल्ड जर्नल बैच में अटेंडेंट है क्या? अटेंडेंट ना पावर, इसको बदलना मत, पढ़ दो जब तक। क्या लिखूं? ये कौन है? सचिन के आयोजित आयु से, ये अजय, ये सचिन। दस वर्ष बाद सचिन कितने का? दस वर्ष बाद साठ का तो अब कितने का? दस साल पहले कितने का? चालीस को दो एक्स कह रहे हैं तो एक्स कितने का? अब कितने का? आंसर आया सबको? कोई डाउट है? वेरी गुड। ये अभी की क्लास है, बहुत पहले की चल रही है, एक बार चेक कर। बरवाला ब्रांच वाले एक बार कॉल करो भाई मेरे पास, बरवाला हिसार, जल्दी पढ़ दो। इसको तो कल करवाऊंगा, इसको तो कल करवाऊंगा। ये चार पांच सवाल हैं ऐसे, इनके अंदर थोड़ा सा सोचने वाली कहानी है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस चलेगा तुम्हारा।